छतरपुर से पिछले दिनों महिला और उसके बच्चों पर हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। महिला और बच्चों का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि महिला के पति का ही दोस्त निकला, जिसकी महिला पर गलत नजर थी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के गुलगंज में कुछ दिनों पहले महिला और उसके बच्चों पर हमला करने का मामला सामने आया था, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 6 फरवरी की रात में गौरीशंकर राजपूत ने नया ट्रैक्टर लेने पर महिला के पति हरलाल यादव और उसके पिता को शराब पार्टी के लिए दावत पर बुलाया था। जब महिला का पति और उसका पिता शराब पीकर बेहोश हो गए, तब आरोपी गौरीशंकर मौका पाकर हरलाल के घर गया और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसका हरलाल की पत्नी ने विरोध किया तो आरोपी ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। वहीं यह पूरा वाकया बच्चों ने देख लिया, जिसके बाद आरोपी ने दोनों बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और भाग निकला। वहीं जब मृतका के पति का नशा उतरा तो वह घर गया और उसने अपने चाचा के परिवार पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके शाम को जो मृतका का पति है और उसका ससुर, इनने आरोपी के साथ उसके खेत पर पार्टी की थी। आरोपी ने उनको ट्रैक्टर आने की खुशी में, मृतका के पति ने 2 दिन पूर्व नया ट्रैक्टर खरीदा था, उसका बहाना बनाकर कि हम आपको ट्रैक्टर की पार्टी देना चाहते हैं, दोनों को बुलाया। वहाँ पे ये शराब और मुर्गा पार्टी का वो एक प्रोग्राम रखा और जब वो दोनों नशे में हो गए तो ये गायब हो गया तकरीबन 1.5 घंटे के लिए और वापस से उसी जगह पहुंच भी गया ताकि किसी को शक ना हो। बाद में सभी बिंदुओं पे बारीकी से जांच करके आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ की गई, पूछताछ में जिसने घटना को स्वीकार किया। गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पे फरियादी हरलाल यादव के द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी पे हमला हुआ है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पे पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया और जितने भी भौतिक साक्ष्य थे और टेक्निकल साक्ष्य थे सभी को एकत्रित करना चालू किया। FIR जो थी 302-307 में अज्ञात लोगों के विरुद्ध थी और इसमें 376 की धारा का भी इजाफा हुआ था। इसमें जो आरोपी है उसको आज अभिरक्षा में लिया गया है और ये पूर्व से ही जो मृतिका का पति है उसका अच्छा जानकार था, अच्छा मित्र था और कहीं ना कहीं उससे संबंध बनाना चाहता था और अवैध संबंध बनाने के प्रयास में ही इस घटना को उसने अंजाम दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।